देश के अलग अलग जेलों में तकरीबन 30 वर्षों से सिख बंदी सिखों की रिहाई को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले रोष रैली का आयोजन किया गया एवं कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर की गैर मौजूदगी में जॉइंट कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। देश दुनिया पर जब जब बड़ी या छोटी विपदा आई है तो सबसे पहले सिख समाज मदद के लिए सामने आता रहा है और सिख समाज की तरफ हर आम और खास सहित शासन प्रशासन भी मदद के लिए टकटकी लगाए बैठा दिखता है। परंतु इनकी विडंबना तो देखिए, इनको अपनी छोटी सी छोटी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 30 वर्षों से सिख बंदी सिंह, जिन्होंने माननीय न्यायालय एवं उनके आपराधिक मामलों में न्यायालय प्रणाली एवं संविधान के अनुसार दी गई सजा को पूरा कर चुका है, मगर उनकी सजा पूर्ण होने के उपरांत भी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर आडम्बरों को सजा के दौरान लंबी लंबी पैरोल मिल जा रही है। इसी बात पर सिख समाज ने अपना आक्रोश जताते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के बैनर तले रोष रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ नेहरू नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में समाज द्वारा अरदास करके आरंभ की गई। यह रोष रैली सीधे दुर्ग पहुंची और वहां से रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट का गेट भीड़ को देखते हुए बंद कर दिया गया था और जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा की गैर हाजिरी में जॉइंट कलेक्टर ने समाज की तरफ से दिया जाने वाला ज्ञापन स्वीकार किया और यह ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। सिख समाज ने रोष रैली के जरिए यह साफ कर दिया है कि अगर शासन प्रशासन द्वारा समाज के साथ भेदभाव किया गया तो आने वाले समय में इससे बड़े प्रदर्शन का दंश उन्हें झेलना पड़ सकता है। ये जो सिख बंदी है, सिखों का जो अपना सजा भुगत चुके हैं, पूरी सजा हो चुकी उनकी, और अभी तक उनको 10-10, 12-12 साल से अभी तक छोड़ नहीं रहे। इसमें हमारे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब न्याय प्रणाली ने हमारे को जो सजा दिया वो हम भुगत लिए, उसके बाद हमारे को रोकने क्या क्या हमारे हम सिख हैं इसलिए ऐसे ऐसी बात चल रही है क्या? भारत सरकार को कोई इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? मानवाधिकार जोग जो है वो कहाँ क्या कर रहा है? आगे पीछे सब ये चीज़ चल रही है, आज क्यों मतलब सिखों के लिए क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए हमारा रोष है, जो हम विज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को कि ये काम ये जो हो रहा है ये हमारे लिए मतलब हमारे सिख समाज के लिए बहुत गलत एक धारणा जा रही है। इसके लिए हम राष्ट्रपति साहब और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन देने आए। ये रोष रैली आज जो हम लोग पूरे सिख समाज ने निकाली है, ये छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर पे निकली है। आज ये रोष इसलिए किया गया है क्योंकि आज जो हमारे बंदी सिंह 30-30 साल से अपनी सजा काटने के बावजूद भी आज जेलों में बंद है, उनको अभी तक रिहा नहीं गया और अभी तक वहाँ पे किसी हमारे दिल्ली में सरकार को जूं तक नहीं रेंगी कि उन बंदी सिंहों को रिहा कर दिया जाए जिन्होंने अपनी सजाएँ काट ली हैं। ये एक हम लोग ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि वो सिख है तभी नहीं रिहाई किया गया कि आज, क्योंकि हर एक देखा जाता है कि हर एक सिख को आज अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई सड़क पे देनी पड़ती है, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे आज ये देख लीजिए बंदी सिंह है। हम आज यहाँ पे पूरा दुर्ग भिलाई के जितने सिख समाज है आप देखिए, रोज देखिए हमारी घर से जो बीबियाँ भी हैं वो भी अपना काम धाम छोड़ के आज हमारे साथ लगी हैं कि हमारे सिख भाई यहाँ से रिहा हो सकें। जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि राम रहीम जैसा बाबा जो इतने दुष्कर्म करके भी आज रिहा हो जाता है, तो हमारे वो सिख भाई हैं वो क्यों नहीं रिहाई हो पा रहे? क्यों नहीं रिहाई हो पाते? जब कोविड में आज सिख समाज ने ही बढ़ चढ़ के सेवा की, तब सबको सिख समाज दिखता है। जब कहीं पे लंगर पहुंचाना होता है तो सिख समाज दिखता है, तो आज वो सिख समाज के वो भाई नहीं दिख रहे, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको वो सिख भाई नहीं दिख रहे। क्यों नहीं रिहा किया जा रहा उनको? और मानव अधिकार जो आज हर जगह में अपना इंटरफेरेंस करता है तो वो भी आज चुप्पी साज के बैठा है। हमारा ये मांग है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं होते हैं तो ये तो कुछ हजारों की भीड़ है। सिख समाज जब अपने आप में इकट्ठा होता है तो पूरा सिख समाज आज लाखों में इकट्ठा होकर सड़कों पर आएगा और अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि बंदी सिंह जो है पिछले 30 वर्षों से जेल में है और उनकी सज़ा जो है न्याय प्रणाली के अनुसार, संविधान के अनुसार उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है और सज़ा पूर्ण होने के बावजूद भी जो है वो अपनी फिर डबल सज़ा काट रहे हैं। और इसी बात को लेके जो है छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग और सिख समाज की तरफ से आज रोष मार्च निकाला गया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है। और जिसमें हम यही बताना चाहते हैं कि देखो, जो संविधान प्रणाली के अनुसार उनकी जो सज़ा पूरी है उनके छोड़ा जाना चाहिए। और एक जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि राम रहीम जैसा गुंडा जो है बलात्कारी हिंसावादी और जिसको आप टीवी में देखा कि क्या हाल किया था उसने,
और उस आदमी को जो है साल में चार चार बार पेरोल दी जाती है, 40-40 दिन की पेरोल दी जाती है। ये हमारी कैसी न्याय प्रणाली है और कैसा संविधान है, और हमारे जो अल्पसंख्यक हैं और सिखों के प्रति अलग नीति अपनाई जा रही है। और यही बात मैं फिर कहता हूँ कि गुजरात में एक आदमी ने 5 कत्ल किए और 1 बलात्कार किया, और उसे पिछले 15 अगस्त को उसे रिहा कर दिया गया है। और इसी बात को लेकर देखो, जब भी बात सिख समाज की बात आती है, सिख समाज हर जगह सेवा को समर्पित है। देश की हर विपद स्थिति में जो है वो खड़े होकर आगे आया है, भला वो चीन की लड़ाई हो, भला वो पाकिस्तान की लड़ाई, हर चीज़ में आगे है। मगर ये अल्पसंख्यकों के साथ जो ऐसी नीति क्यों अपनाई जा रही है, इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। बस यही चाहते हैं कि उनकी सजा पूर्ण हो चुकी है, उन्हें संविधान के स्वरूप उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। जो समाज सभी की कठिनाइयों में सबसे आगे खड़ा होकर उनकी मदद करता है, वाकई उस समाज को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए रोड पर उतरना पड़े, यह समझ से परे है। केंद्र सरकार को अपनी न्यायपालिका एवं संविधान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।